रेडियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसने मेडिकल की दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। ये जिस्म के अंदर मौजूद मर्ज को डॉक्टर के सामने निकाल कर रख देती है, जिससे तशखीस और इलाज में बड़ी मदद मिलती है। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान अहमद है। मैं चुगताई लैब के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि चुगताई लैब में रेडियोलॉजी की कौन कौन सी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। इमेज सेफली एंड वाइजली हमारा मोटो है। पेशेंट सेफ्टी हमारे नज़दीक बहुत अहम है। हमारा अल्ट्रा हेलिकल 160 स्लाइस सीटी स्कैनर हमारे डिपार्टमेंट को दूसरे इदारों से मुमताज़ करता है। मेरे नज़दीक इस सीटी स्कैनर की सबसे नुमाया खूबी ये है कि ये कम से कम एक्सरे की शुआएं इस्तेमाल करके बेहतरीन रिजल्ट देता है। आम स्कैनर की निस्बत इसकी रेडिएशन डोज आधी है, जो यकीनन मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी अल्ट्रा फास्ट स्पीड की मदद से हम इससे जिस्म के हर हिस्से की एंजियोग्राफी सिर्फ वेन्स में एक इंजेक्शन की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए जिस्म में किसी कैथेटर या नाली डालने की जरूरत नहीं है। ये छोटी से छोटी खून की नाली में रुकावट को दिखा सकता है। एक और खूबी ये है कि इसमें इंजेक्शन की मिकदार भी कम इस्तेमाल होती है और कंट्रास्ट रिएक्शन के इम्कानात भी कम होते हैं। इस स्कैनर की मदद से ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनीज को तफसील से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि कैमरा डाले बगैर मैदा, आंतों और सांस की नालियों की एंडोस्कोपी भी की जा सकती है। हर तरह के 3D इमेजेस बनाए जा सकते हैं, जैसे बोन्स और जॉइंट्स के। MRI स्कैनर का 1.5 टेस्ला का ताकतवर मैग्नेट इसकी मदद से ब्रेन, स्पाइन, मसल्स और जॉइंट्स के बेहतरीन इमेजेस हासिल किए जा सकते हैं। MRI की खास बात यह है कि इसमें जिस्म के लिए किसी किस्म की नुकसानदेह शुआएं इस्तेमाल नहीं होती। इसमें एंजियोग्राफी करने के लिए किसी इंजेक्शन की जरूरत भी नहीं होती। इसलिए ब्रेन, स्पाइन, मसल्स एंड जॉइंट्स के लिए ये स्टडी ऑफ फर्स्ट चॉइस है। इसके अलावा लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड ओवरीज की बीमारियों की भी सही तशखीस करता है। ब्रेस्ट की बीमारियों की भी तशखीस की जा सकती है। MRCP टेस्ट में जिस्म में कोई एंडोस्कोप डाले बगैर बाइल डक्ट्स और पेंक्रियाटिक डक्ट्स को अच्छी तरह देखा जा सकता है। प्राइमस डेक्सा स्कैन एक प्राइम क्वालिटी का स्कैनर है, जिसकी मदद से हड्डियों की मजबूती चेक की जा सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना मुस्तकबिल में फ्रैक्चर के इम्कानात का होना बताया जा सकता है। जिस्म में फैट की कम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी मालूम किया जा सकता है। मेमोग्राफी भी चुगताई लैब में अवेलेबल है। मेमोग्राफी एक लो डोज एक्सरे टेस्ट है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस उस वक्त भी की जा सकती है जबकि इसका साइज 1 सेंटीमीटर या इससे भी छोटा होता है। जितनी जल्दी तशखीस होगी, इलाज इतना ही कामयाब होगा। इस मकसद के लिए मेमोग्राफी टेस्ट किया जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को हर साल ये टेस्ट कराना चाहिए। इसी तरह जिन खवातीन के खानदान में ये बीमारी है, इन्हें भी हर साल ये टेस्ट कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट चुगताई लैब के अल्ट्रासाउंड सूट में जदीद अल्ट्रासाउंड की मशीनें रखी गई हैं और माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स मौजूद हैं। प्रेगनेंसी, गायनेकोलॉजी और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए तजुर्बेकार खवातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। खून की नालियों के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड और मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की सहूलियात भी मौजूद हैं। एकोकार्डियोग्राफी दिल का अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, जिसके लिए माहिर कार्डियोलॉजिस्ट और खास अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी मौजूद हैं। डिजिटल एक्सरेज हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी के डिजिटल एक्सरेज किए जाते हैं। चुगताई लैब के पास मोबाइल एक्सरे यूनिट्स भी हैं, जो ICU, क्लिनिक और मरीजों के घरों में जाकर भी एक्सरे कर सकते हैं। उसी वक्त कंप्यूटर पर रिजल्ट चेक करके वहीं गाड़ी में मौजूद प्रिंटर से एक्सरे फिल्म भी निकाल कर देते हैं। ये सहूलत मेरे इल्म के मुताबिक चुगताई लैब के अलावा कोई इदारा फराहम नहीं कर रहा।